जय हिंद सर, तो बात करेंगे SSCD भर्ती 2023 के बारे में। तो जैसे आप लोग बताइए कि SSCD भर्ती 2023 का जो प्रोसेस है वो चल रहा है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और आपका मेडिकल से जारी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जी जो बच्चे रह गए थे, मतलब कि 0.2 नंबर से 0.5 नंबर से रह गए थे, उनके लिए क्या सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं जारी की जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं कि सेकेंड लिस्ट कब तक जारी की जा सकती है और मतलब कि क्या प्रोसेस होगा सेकेंड लिस्ट जारी करने का और किन बच्चे का सेकेंड लिस्ट का नाम आएगा, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर आप अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको SSCD भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए पहले जो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। तो बात करते हैं सेकेंड लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो आप लोग पता है कि SSCD भर्ती जो 2023 में निकाली गई थी उसमें लगभग 50,000 प्लस पोस्टें हैं, ठीक है, 50,000 प्लस पोस्टें हैं। और से तो जो मतलब कि बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और कितने बच्चों को पास किया था, लगभग मैं आपको बता दूं कि 32 लाख बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था और एग्ज़ाम कितने दिए थे, मैं आपको सही डाटा दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो नोटिस है, जब आपका 2023 की वैकेंसी का फॉर्म आया था तो जो रिजल्ट आया था उसी जो कट ऑफ जारी हुई थी उसी के रिगार्डिंग आपकी जो नोटिस है वो जारी की गई थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट उपयोग चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, उसी के हिसाब से आप लोग समझ लेना कि सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी और कब तक जारी की जाएगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना। कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी, ठीक है, जो ऑल इंडिया वैकेंसी में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए तो आप लोग इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर भी दिया है। उसके बाद यहाँ पर तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि मेल कैंडिडेट जो मतलब कि क्वालिफाई हुए थे स्टेट UT और अदर स्टेट से, तो EEWS में आप लोग यहाँ पे ST OBC UR सभी चीज़ देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 32 लाख, यहाँ पे आप लोग देख सकते 32 लाख या 4,500 टोटल जो फॉर्म है वो अप्लाई किए गए थे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को कट ऑफ जो है वो देख सकते हो कि किस राज्य की कट ऑफ कितनी गई थी PET और PHT के लिए। यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख सकते हो कि PET और PHT के लिए मतलब कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी और कैंडिडेट कितने अवेलेबल थे। तो ये आंध्र प्रदेश का डाटा है, ऐसे ये जो PDF फाइल है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप लोग देख लेना कि कितनी आपके राज्य की कट ऑफ गई थी, तभी साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये जो मतलब कि पोर्शन है ये वाला, यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये कट ऑफ वाला पोर्शन है। इसमें आप लोग देख सकते हो 85, 102, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ CRPF की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर बच्चे दावा कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट की नोटिस जो है वो जारी कर दी गई। तो चलिए देखते हैं CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट की कोई नोटिस जारी की गई सेकंड लिस्ट के बारे में 2023 की वैकेंसी की या नहीं जारी की गई। तो आपको मैं क्लेरिफिकेशन तब देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेकंड लिस्ट के बारे में अभी तक कोई नोटिस, ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई। यहाँ पे आप लोग नोटिस वाले सेक्शन में आप लोग देख सकते हो जो हाल फिलहाल में नोटिस डाली गई है PDF फाइल में, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट के बारे में कोई नोटिस जारी नहीं की गई। मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड लिस्ट आपकी जारी की जाएगी या नहीं, तो देखिए आपको ये मतलब कि जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे आप लोग बताए कि SSCD 2018 की जो है उसमें काफ़ी पेंच फंसा हुआ है, उसका जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है यही सेकेंड लिस्ट के बारे में, ठीक है। हो सकता है कि जो मतलब कि अगर बच्चे रह जाएंगे इसमें, क्योंकि 50,000 पोस्ट है और काफ़ी कम बच्चों को बुलाया गया था और काफ़ी कम बच्चों ने दौड़ भी निकाल पाई थी, और मेडिकल की बात जहाँ करें मेडिकल काफ़ी टफ आपका करवाया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और साथ यहाँ पर पॉइंट देने के बाद 24 घंटे का समय दिया जा रहा है, लगभग 72 या 24 घंटे का, तो उतने समय में कोई चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। तो जो बच्चे को पॉइंट मिल गया समझ लो वो रिजेक्ट ही है, ये मान के चल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए 2023 की जो वैकेंसी इसमें मेरिट की जो सेकंड लिस्ट है वो आने के 100% मैं आपको बता सकता हूँ कि चांसेस हैं, 100% सेकेंड लिस्ट के आने के चांसेस हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हालांकि कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको ऑफिशियल अपडेट इसी चैनल के थ्रू दी जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। तो सेकंड लिस्ट कितने नंबर पर जारी की जाएगी सर, तो ये तो अभी आंकड़ा हम लोग नहीं लगा सकते। तो आप लोग क्या करना, आप लोग जो मतलब कि रह गए थे पॉइंट नंबर से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर मैं इतने नंबर मेरे थे और मैं इतने पॉइंट से रह गया था,
तो उसी हिसाब से मैं आंकड़ा पूरा बना के साथ हो एक्सेल पीडीएफ फाइल में, तो आपको बताऊंगा कि कितनी नंबर पे अगर मतलब कि हो सकता है आपका सेकंड लिस्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।